हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ वर्ब करेंगे। ये एक्सरसाइज पैराग्राफ डिपेंड है। पैराग्राफ डिपेंड एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं और आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में भी फिलिंग वर्ब फिलिंग एक्सरसाइज में ये आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। A stem is to many people just a slip of paper that dash a letter from one town or country to another। इसमें verb film के लिए take दिया हुआ है। पूरा sentence simple present tense पे depend है, इसलिए verb की first form में s लगेगा क्योंकि हमारा subject singular है, तो takes हो जाएगा। Sentence will be A stem is to many people just a slip of paper that takes a letter from one town or country to another. Next, they are unable to understand why we stamp collectors dash bracket में find है so much pleasure in collecting them and how we find the time to indulge in our hobby. Indulge की meaning होती है लिप्त हो जाना, यानी कि devolve हो जाना किसी चीज़ में। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है दे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो फाइंड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, फाइंड का फाइंड ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, टू देम इट डैश अ वेस्ट ऑफ टाइम अ वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड अ वेस्ट ऑफ मनी। यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इट दिया हुआ है और ब्रैकेट में है सीम, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड कर देंगे। सीम की जगह पर सीम्स हो जाएगा। सेंटेंस आपका बनेगा टू देम इट सीम्स अ वेस्ट ऑफ टाइम अ वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड अ वेस्ट ऑफ मनी बट दे डैश, यहाँ ब्रैकेट में डू दिया है, नॉट रियलाइज दैट देयर आर मैनी हु डू बाय स्टैम्प्स मैनी हु डैश फाइंड द एफर्ट्स worthwhile and many who if they did not spend their time collecting stamps। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में डू की जगह पर डू ही आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है, दे के साथ कोई चेंज नहीं करेंगे, डू का डू ही रहेगा। सेकेंड फिलअप में भी फाइंड का फाइंड ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा बट दे डू नॉट रियलाइज दैट देयर आर मैनी हु डू बाय स्टैम्प्स मैनी who find the effort worthwhile and many who if they did not spend their time collecting stamps. Next, would spend it less profitably we all dash something to do in our leisure hours and what better occupation dash be. Be ki forms hoti hain is, are, am, was, were, be and being. There to keep us out of mischief than that of collection stamps. Students, यहाँ first sentence में seek में कोई change नहीं होगा क्योंकि we दिया है, plural noun है। Second, be के जगह पर आपका is आ जाएगा क्योंकि यह singular subject है, what a better occupation दिया है। Next, an album, a packet of stamps and that time dash swiftly and pleasantly और pass दिया है bracket में, पास की जगह पर यहाँ पे पासेज हो जाएगा क्योंकि टाइम दिया है। टाइम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं। यहाँ पे पास के लास्ट में एस दिया हुआ है, जिस वर्ब के लास्ट में ओ एक्स एस एस सी एच और एस होता है वहाँ ईएस ऐड करते हैं, इसलिए पास की जगह पर पासेज हो जाए। सबके आंसर्स ये दिए हुए हैं टेक्स फाइंड सीम्स डू फाइंड सीक इज पासेस। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का ये पैराग्राफ यहीं पे कंप्लीट हुआ। ऐसे ही और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।